अगर आप चाहते हो कि इमो के अंदर जो मेरी प्रोफाइल है वो यहाँ पर कोई भी नहीं देख सकते, यानी आप अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट कैसे कर सकते हो, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इसके लिए आपको अपने जो इमो है वो यहाँ पर ओपन कर लेना है। इमो को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने शो हो जाएगा। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पर आपको चले जाना है। प्रोफाइल में आने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हो आपको सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे नीचे आ जाना है। नीचे नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो वो कैन सी माई अवतार, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगा, एवरी वन, माई कॉन्टेक्ट, नो बडी। तो यहाँ पर क्या है कि एवरी वन पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपकी प्रोफाइल है वो यहाँ पर कोई भी देख सकता है। अगर आप चाहते हो कि मेरी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर सिर्फ मेरे कॉन्टेक्ट ही देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर माई कॉन्टेक्ट पर सेव कर देना है। अगर आप ये चाहते हो कि मेरी प्रोफाइल कोई भी नहीं देख सकता तो यहाँ पर आपको नो बडी पर क्लिक करके आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर बैक आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो हमने जो नो बडी पर क्लिक किया था वो यहाँ पर सेव हो चुका है और अब आपकी जो प्रोफाइल है इमो की वो यहाँ पर कोई भी नहीं देख सकता। तो इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर प्राइवेट कर सकते हो। यही थी आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।